मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैं क्लास थर्ड को एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाऊंगी, है ना। एक्सरसाइज 8.2 में क्या है, लाइंस है ना। हम एक लाइन खींचते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको लाइन के बारे में बताती हूँ ना। ये लाइन खींचते तो नॉर्मली क्या होती, हॉरिजॉन्टल लाइन होती। फिर हम इसको एक दो बिंदु से इसको खत्म, इस बिंदु से चालू करते हैं, इस बिंदु पर हम इसे खत्म करते हैं और इसको एक हम नाम दे देते हैं ए और बी। तो इसे क्या कहा जाता है, सेगमेंट लाइंस। द पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी लाइन है, उसके जो पार्ट होते हैं बिटवीन, बीच में टू पॉइंट्स, ये है बिटवीन लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन के जो इसको नाम दिए, इसके बीच में टू पॉइंट्स है, इस कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट्स, उसको क्या कहा जाता है, सेगमेंट्स लाइन कहा जाता है। जिसे इसको नाम दे दिए ना ए और बी, तो इसे सेगमेंट्स लाइन बोला जाता है। अब इस आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिलअप्स, ए पॉइंट हैज नो लेंथ, और क्या आएगा, एक पॉइंट के क्या नहीं होता, नो लेंथ, यानी ना ही तो उसकी लंबाई होती है। ये पॉइंट है, इसकी क्या आपको लंबाई दिख रही है, नो लेंथ, यानी ना तो उसकी लंबाई होती है, नो ब्रेथ। ना तो उसकी क्या होती है, चौड़ाई, बी आर ई ए डी टी एच, ठीक है ना। उसकी क्या होती है, एक पॉइंट होता है ये, इसकी क्या कोई चौड़ाई है, ना कोई लंबाई है, नो लेंथ नो पॉइंट एंड सॉरी नो लेंथ नो नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस, यानी ना कोई इसकी मोटाई होती है, ये थिकनेस, ठीक है, मोटाई। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वाले में तो ब्रेथ और थिकनेस पढ़ना है, ठीक है। अब है ए स्क्वायर हैज, एक स्क्वायर है, उसकी कितनी सेगमेंट लाइन है, आपको पता है ना, नॉर्मल लाइन को सेगमेंट लाइन नहीं बोला जाता, जब इसको दो नाम दिए जाते तो वो सेगमेंट लाइन बनती है। अब ये है कि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों लाइन क्या होती है, सेम है ना। तो हमने उसको यहाँ से ए बी सी और डी दे दिया, तो ये क्या है, स्क्वायर है लाइन सेगमेंट्स, कितनी फोर सेगमेंट लाइन्स है, ए बी वन और बी और सी टू, सी और डी थ्री और डी और ए फोर, यानी कितनी लाइन सेगमेंट होती है, फोर लाइन सेगमेंट्स होती है। अब है ए सर्कल हैज साइड्स एंड कॉर्नर्स, एक सर्कल है उसके कितने साइड और कॉर्नर होते हैं, आपको पता है ये सर्कल है, इसके ना तो कोई साइड है ना कोई कॉर्नर है, तो क्या आएगा, दोनों में नो आ जाएगा। ए सर्कल हैज नो साइड और नो कॉर्नर, एक सर्कल के नहीं तो कोई साइड होता है और नहीं कोई कॉर्नर होता है। ए लाइन सेगमेंट्स हैज एंड पॉइंट, एक लाइन जो है सेगमेंट लाइन बनती है कितने एंड पॉइंट से बनती है, टू, क्या है, टू एंड पॉइंट्स, यानी यहां से इसके स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये टू एंड पॉइंट्स है, यानी इधर से भी एंड पॉइंट्स है, तो ये लाइन सेगमेंट, सेगमेंट्स लाइन वही होती है जिसको नाम दिए जाते हैं, और उसके कितने एंड पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट होते हैं। ए लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, एक लाइन जो होती है किससे बनती है, टू पॉइंट से मेड, मतलब दो पॉइंट से वो बनती है, मेड यानी बनना, ठीक है। तो ये तो आपके फिलअप हो गए, अब आपको कुछ और दे रखा है नीचे, ये मैं बताती हूँ आपको, जैसे चित्र बना के बताती हूँ, वेट, ये देखो। अब मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन टू क्या लिखा है, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन इट शेप, आपको कुछ शेप को नेम दे रखा है, सेगमेंट्स लाइन दे रखी है, तो उसमें आपको बताना है कि वो लाइनें कितनी है, शेप दे रखा है उसमें। अब सेगमेंट्स लाइन कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था जिसमें नेम दे रखे होते हैं, तो यहाँ से दे रखा है पी क्यू आर एच टी, तो पी क्यू कितनी है, वन, फिर क्यू और आर टू, फिर R और S 3, और S और T 4, तो और एक और है ये T और P,
तो इसमें कितनी सेगमेंट्स लाइन हो गई, 5, 1 पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी और टी पी, तो इसमें टोटल सेगमेंट लाइन कितनी हो गई, 5, ये ठीक है। इसी तरह से ट्रायंगल में कितनी है ये पूछा, इस शेप में कितनी है, तो यहाँ से दे रखा है ए बी सी, तो ए और बी 1, बी और सी 2, सी और ए 3, तो इसमें टोटल सेगमेंट लाइन कितनी हो गई, 3। अब आपको दो शेप सेम दे रखे हैं, ठीक है, दोनों में भी नाम दे रखे, तो यहाँ से दे रखा है एल और एम 1, एम और एन 2, एन और ओ 3, और ओ और एल 4, तो इसमें टोटल सेगमेंट लाइन कितनी हो गई, 4, ये ठीक है। इसी तरह से ये भी सेम वही शेप है ए बी सी डी, तो इसमें भी 4 सेगमेंट लाइन है, सिर्फ आपको नाम बता देती हूँ, ए और बी 1, बी और सी 2, सी और डी 3, और डी और ए 4। अब एक आपके क्वेश्चन 3 दे रखा है, उसको मैं आपको बुक्स में ही बताऊंगी, और एक आपको क्वेश्चन 4 दे रखा है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ये आप अपने अपने नोटबुक में उतार लेना, और मैं आपको इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगी, है ना। क्वेश्चन 4 एक और समझा दूंगा, थर्ड वाला मैं आपको बुक से ही समझा दूंगी। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द पेरिमीटर ऑफ द फॉलोइंग, आपको कुछ सेगमेंट लाइंस के नाम दे रखे हैं और कुछ आपको शेप दे रखा है, शेप दे नहीं रखा मतलब शेप का नाम दे रखा है, तो उसकी आपको क्या दे रखी है, साइड की जो पेरिमीटर है उसकी जो भुजा है ना, परिधि है, उसका नाप दे रखा, तो आपको उसके टोटल नाप को बताना है ना, परिधि बताना है, सेगमेंट लाइन का नाप दे रखा है और आपको टोटल नाप बताना है। एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल 3 लाइन दे रखे है ना, ए ट्रायंगल, बी राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल जैसा होता है ना ऐसा, जिसके आमने सामने की लाइंस क्या होती है, बराबर होती है, भुजा स्क्वायर में तो चारों भुजाएं स्क्वायर इसको बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है 1, 2, 3, 4, लेकिन रेक्टेंगल की सिर्फ आमने सामने की, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, और एक है सी स्क्वायर जो मैंने अभी बताया था आपको, इसकी ये भी बराबर है, ये भी सेम होती है, ये भी सेम होती है, ये भी चारों की सेम होती है डब्बे के समान। अब इसके आपको ट्रायंगल के कितने साइड्स है, कुछ 3 साइड्स होते हैं, 1, 2, 3, इसके एक साइड 8 सेंटीमीटर, एक साइड 6 सेंटीमीटर और एक है वापिस 8 सेंटीमीटर, यानी 2 बराबर होता है और एक अलग होता है, ये वाली अलग होती है ना, यहाँ से देखेंगे ए बी सी, तो ये है 8 सेंटीमीटर, फिर ये है 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी पैरामीटर आपको बता दिए, इसको नाम यहाँ से नहीं दे सकती क्योंकि 8-8 दोनों हो रही ना, तो इसको यहाँ से नाम नहीं, ए बी सी, ए और बी कितने 8 है, बी और सी 8, और ए और सी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। पेरिमीटर इक्वल कितना होगा, तो इसको करना है 8 प्लस 6 प्लस
एट इक्वल कितना होगा, एट और एट सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस सिक्स कितने हो गए 22. तो इसकी टोटल पैरामीटर कितनी है 22, यानी इसकी तीनों भुजाएं कितने बराबर की 22 की, 8 प्लस 8 60, 60 प्लस 6 22 है ना. अब ये रेक्टेंगल, तो इसका क्या है, फोर साइड्स है, एक सेवन, दो तो 7 सेंटीमीटर, ये वाली दोनों बड़ी है ना ये वाली, तो ये दोनों हो जाएगी 7 7 और ये हो जाएगी 5 5, यही दे रखा है ना. सेवन सेंटीमीटर, फाइव सेंटीमीटर, सेवन सेंटीमीटर और फाइव सेंटीमीटर. तो अब है इसका ए बी, बी सी सी डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी कितने नाप पे, ए बी क्या साइज है, ए बी सी और ये डी, तो ए बी कितने मीटर के, 7 प्लस बी और सी 5 प्लस सी और डी वापिस 7 प्लस डी और सी 5, तो कितनी हो जाएगी 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 प्लस 7 कितना हो जाएगी 19 और 5 20 21 22 23 24, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर हो जाएगी 24. अब है एक स्क्वायर जो इसकी चारों ही भुजाएं समान होती है, यानी क्या दे रखा है, फोर साइड्स, कितने साइड्स होते हैं इसके, फोर साइड 1 2 3 4, इच सिक्स सेंटीमीटर इच, यानी इच यानी चारों ही सारी, इच यानी सारी कितने, छह सेंटीमीटर की है, यानी ए बी सी डी, छः की ए भी है, छः की ए भी है, छः की ए भी है और छः की ए भी है, सेंटीमीटर आप लगा लेना, तो वही सूत्र लगेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी सी कितनी हो जाएगी 6 प्लस 6, अब यहाँ पे 6 साइड डायरेक्ट 4 कर दिया है ना, कि 4 साइड्स है ये लिखा है ना, इसकी 4 साइड्स है, स्क्वायर की 4 साइड्स है वो 6 सेंटीमीटर को, तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, देखो उसको प्लस भी कर सकते हो, एक ये तरीका भी है, फोर इंटू सिक्स भी कर सकते हो, तो फोर इंटू सिक्स कितने हो जाएंगे इक्वल 24, एक स्क्वायर की पेरीमीटर भी 24 हो जाएगी, ठीक है. तो इसका भी मैं, ये आपको समझ में आ गया, इसको फोटो खींच के मैं आपको सेंड कर दूंगी. अब आपके क्वेश्चन है 3 वाला, जो मैं आपको डायरेक्ट बुक से समझाती हूँ. ये देखो, नेम हाउ मेनी कॉर्नर्स एंड साइड्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, एक आपको पिक्चर दे रखा है, इसमें से आपको साइड और कॉर्नर बताने हैं. तो इसके कितने कॉर्नर है, 1 और 2, ये साइड्स कितने, इधर वाला साइड और इधर वाला साइड, तो 2 साइड 2 कॉर्नर. अब इसके कितने कॉर्नर और कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 कॉर्नर्स है, साइड कितने 1 2 3 4 5 6 7. अब इसके कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 2 है ना, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये साइड भी उतनी है 1 2 3 4 5 6 7. अब ये कॉर्नर्स कितने कॉर्नर है, 1 और ये 2, साइड्स कोई साइड नहीं इसका, राउंड आकर है तो 0 साइड्स. ये वाला मैंने आपको ब्लैक बोर्ड से समझा दिया.
अब है राइट ट्रू और फॉल्स. एन ओवल हैज वन साइड, क्या ओवल की कोई साइड होती है? फॉल्स, क्योंकि ओवल ऐसा होता है अंडा का टाइप. ए लाइन इज मेड ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, एक लाइन जो होती है टू सेगमेंट लाइन से बनती है. ट्रू, सही है. व्हेन वी जॉइन मैनी पॉइंट्स टूगेदर वी मेक ए लाइन, आप अगर है ना कोई बहुत सारी लाइनों के पॉइंट जोड़ोगे तो वो एक लाइन बनेगी. यस, यू कैन ड्रॉ मैनी स्ट्रेट लाइन थ्रू टू पॉइंट्स. बहुत सारी अगर आप बहुत सारी स्ट्रेट लाइन करते हो फिर उसके पॉइंट को जोड़ते हो तो क्या वो टू पॉइंट्स को जोड़ने से ही बहुत सारी लाइन बन जाएगी? नो, फॉल्स. ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 फिल कंप्लीट हो गई है. मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगी, आप अपनी अपनी नोटबुक में होमवर्क कर लेंगे.